बड़ी खबर, कैसी तेरी खुदगर्जी की कास्ट का एक और ड्रामा सीरियल आ गया, जिसमें दानिश नमूर, सारा फलक यानी के और उनके साथ दुरेफिशां सलीम और साथ में नमान एजाज चारों ही इकट्ठे आ रहे हैं। ये ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की तर्ज पर ही बनाया गया है, जिसमें दानिश तमूर एक बार फिर से दुरेफिशां सलीम के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे कि शमशेर वापस आ चुका है और दूसरी जानब नमान एजाज यानी के जो शमशेर का बाप बना था, अब वो इस ड्रामे में सारा फलक से मोहब्बत कर बैठेगा। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल है। आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी सीजन 1 देखा है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आप पाकिस्तान से ड्रामा देख रहे हैं या इंडिया से, आपने हमें भी कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई इंडिया से भी ड्रामेज देखते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपको पहले ये बताते चलें कि ड्रामा सीरियल माशूक, जिसमें दानिश तैमूर, नुमान एजाज, दुरेफिशां सलीम और सारा फलक खान होंगी, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा कमाल होने जा रहा है। इसकी स्टोरी इस कदर कमाल है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी को बहुत लेविश किस्म से बनाया गया है। स्टोरी में सस्पेंस, फाइट, एक्शन, रोमांस, हर चीज़ मुकम्मल प्रॉपर दी गई है, ताकि लोगों को इस सारी चीज़ें मुनाफ्त से मिलती रहे। ये ड्रामा इस कदर कमाल होगा क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी के फैंस की ये ख्वाहिश थी कि दानिश तैमूर और दुरेफिशां सलीम का दोबारा कोई ड्रामा इकट्ठा आए। तो अब आप लोगों के लिए पेश खिदमत है दानिश तैमूर और दुरेफिशां सलीम का ये ड्रामा। आप लोगों को ये ड्रामा सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की खास बात यही है कि इसमें कैसी तेरी खुदगर्जी की सारी कास्ट दोबारा से आ गई है। और ये ड्रामा सच में इतना कमाल होगा कि आप लोग इस ड्रामे के लिए रोज़ इंतज़ार किया करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हमने आपको आज की न्यूज़ के बारे में तो बताया, मज़ीद ऐसी तफसीलात जैसे ही किसी भी आया करेंगी, हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश किया करेंगे। ये ड्रामे किस कदर फेमस हैं और हिट हैं, लोग इनसे कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। लेकिन ये ड्रामे इस वक्त अपने अरूज और अपनी बुलंदियों को छूने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ड्रामे ही बहुत ज़्यादा कमाल हैं और बहुत ही अच्छे बनाए गए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब दानिश तैमूर का एक और ड्रामा सीरियल राहे जुनून भी आ रहा है, जो कोमल मीर के साथ आपको देखने को मिलेगा। राहे जुनून ड्रामा सीरियल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी कास्ट आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ्त लगेगी। जबकि इससे पहले हमने आपको बताया कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी को इस लेवल पर बनाया गया था और इस लेवल इस कदर अच्छी स्टोरी बनाई गई थी कि आप लोग हैरानों परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसकी स्टोरी इस कदर अमेजिंग थी कि लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कैसी तेरी खुदगर्जी तेरे बिन के बाद पाकिस्तान का सबसे सुपर हिट तरीन ड्रामा गया, क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड कम थे इसलिए उसके व्यूज़ की तादाद कम थी, लेकिन उसके अगर पर एपिसोड व्यूज़ की बात की जाए तो 50 से 60 मिलियन थे, जो तेरे बिन के इक्वल थे, या कुछ एपिसोड्स ने तेरे बिन के कुछ एपिसोड्स को क्रॉस भी किया। लेकिन तेरे बिन के चूँकि एपिसोड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उस ड्रामा में आपने देखा कि तेरे बिन में एपिसोड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उसमें कम व्यूज़ आए। लेकिन सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पर व्यूज़ इससे भी ज़्यादा आए। आप लोगों को यही बताना हमारा मकसद था कि कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद अब दानिश तैमूर का ये ड्रामा सीरियल लोगों के दिलों में राह करता जा रहा है, लोगों के दिलों को बाह गया है, और यही वजह है कि लोग इस ड्रामे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। दानिश तैमूर का कैसी तेरी खुदगर्जी और ऐसे ड्रामे बनाना ये बहुत बड़ी बात है। दानिश तैमूर ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामे बनाते रहे तो एक दिन आएगा कि वो पाकिस्तान के सुपर ट्रेंड हिट एक्टर बन जाएंगे। जबकि दुरेफिशां सलीम के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की जाती है, उनको पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है। दुरेफिशां सलीम के साथ उनकी ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ये जोड़ी कमाल है और इसकी एक्टिंग स्किल्स हर किस्म की हर चीज़ कमाल है। तो आप लोगों को ये हकीकत में हम बता रहे हैं कि ये ड्रामा आपको सच में बहुत पसंद आएगा। इससे पहले हमने और भी कई ड्रामे बनाए जो आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनवाने प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन आप लोगों की यही चीज़ों का है कि हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट से नवाजने की भरपूर कोशिश की। अभी आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामास लेकर आते रहा करेंगे, ताकि आप लोगों को ये ड्रामे पसंद आते रहा करें।
इंडामा की खास बात यही है कि इंडामस में हमने आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाया, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसमें आप लोगों ने इंडामस को बेहद प्यार दिया। इंडामा को आपके प्यार की बदौलत हमने ऐसे ड्रामे बनाने में कामयाब होते हैं कि जिनको आप बेहद प्यार देते हैं। तो आपके इस तमाम प्यार का, इस तमाम मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट लेकर आते रहा करेंगे ताकि आप लोगों को ये कंटेंट बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा कंटेंट बनाना, बाद में उसे एडिट वगैरह करना। अब हम बात करेंगे इससे पहले कि वाज अली के बारे में। वाज अली इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अपना एक अहम मकाम, रोल, नाम, हर चीज़ बना चुके हैं। उनके अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री में नाम बना लिया, जो अपना मकाम बना लिया है, वो किसी भी एक्टर से कम नहीं। वो इस वक्त पाकिस्तान के नामवर तरीन एक्टर बन चुके हैं। उनके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो साल ही उनका है, 2023 उनका साल है और हम बस उनके साल में ही रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस कदर कमाल एक्टिंग जोक शोक के साथ की है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वाज अली, दिस इज द एरा ऑफ वाज अली, ही इज़ अ सुपर हिट मैन, ही इज़ रियली अ लिटरली अ मैन हु इज केपेबल टू डू द थिंग्स दैट ही कैन एवर्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज बिकमिंग द लेजेंड ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री एंड ही विल बी वन डे ही विल बी द लेजेंड ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री एंड दैट्स इट, ही इज द किंग, ही विल रूल द ही विल रूल ही डेफिनेटली इज गोइंग टू रूल दिस इंडस्ट्री, ही इज ऑलरेडी रूलिंग ऑन द हार्ट ऑफ द गर्ल्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अराउंड द पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड वेयर हियर पीपल्स कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड उर्दू, नॉट स्पीकिंग उर्दू इज नॉट बस पीपल्स हियर कैन अंडरस्टैंड उर्दू, दे आर अ फैन ऑफ वाज अली, हू एवर वॉज द वर्क ऑफ वाज अली, ही इज डेफिनेटली द फैन ऑफ दिस मैन, दिस गाय इज एनर्जेटिक। जैसे कि अब उनका ड्रामा जो चल रहा है, मैं जो क्या नाम है उनका, अफजल खान के साथ चल रहा है, वो भी बड़ा औसम है। जो दानिश तैमूर की बीवी है आयशा खान, वो भी अपने इंडस्ट्री में अब नाम बना रही हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मॉडलिंग है, उनकी मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा नाम है, उनके पास ब्रांड शूज, स्पॉन्सर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन अब वो ड्रामाज में भी दिखाई दे रही है, वो पहले भी ड्रामाज में आ रही थी लेकिन अब वो ज़्यादा आ रही है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो अब सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें उनके ड्रामास को भी पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये न्यूज़ देनी थी और साथ में हमने आपको कोई कंटेंट वगैरह के बारे में बताना था, और वो हमने आप लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचा दी। तो बाकी हम बात कर रहे थे ऐसे कंटेंट और ऐसे एरियल व्यूज़ के बारे में। तो व्यूज़ की व्यूअरशिप के लिए हमें कुछ चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करनी होती, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, कुछ चीज़ों की लो लवली अंडरस्टैंडिंग को फीमेल टच के साथ उसको बेस करना होता है। ड्रामा में ये मेन चीज़, जो मेन इफेक्ट होता है ना, कि हाउ डे मैनेज टू मेक ए कंटेंट और ड्रामा, वो बुनियादी चीज़ होती है, वो बुनियादी फ़र्क पैदा करती है। तो इसी फ़र्क को हटाने के लिए, इसी फ़र्क को बढ़ाने के लिए, इसी फ़र्क को बढ़ाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामा बनाने जाते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट, फैमिली कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक रूल्स देती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक एथिक्स देती हैं। तो इन सारी चीज़ों की बुनियादी वजह, इन सब चीज़ों को जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो जब ड्रामास बनते हैं तो इनमें कंटेंट और फैमिली कंटेंट ना हो, तो ये डेफिनेटली आपको रूल आउट कर देते हैं। ये कंटेंट, फैमिली कंटेंट होना लाजमी और ज़रूरी है, लाजम मलजूम हम कह सकते हैं कि फैमिली कंटेंट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ दिस कंटेंट्स। तो ये फैमिली कंटेंट बनाना, ऐसे उसको करेज करना और लोगों को उस पर राजी करना कि देखिए आपके फैमिली में बैठ कर देखें, क्योंकि पाकिस्तान ड्रामा इसी वजह से पाकिस्तानी पब्लिक में फेम हासिल करते हैं लोग, प्राइम टाइम में 7 to 8, 8 to 9 या 9 to 10 वो देख लोग इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली सिस्टम है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी फैमिली सिस्टम है। तो लोग इकट्ठे बैठ के इन ड्रामास को देखते हैं, उनके पास वो सिनेमा में अगर नहीं जा सकते थे, इफ़ दे आर मीडियोकर्स, अगर वो मिडिल क्लास हैं, वो सिनेमा में नहीं जा सकते, तो वो इसी चीज़ को अपना फ़न तसव्वुर करते हैं, वो इन चीज़ों में अपना फ़न ढूंढते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं और वो ऐसे ड्रामास देखते हैं। तो यही वजह है कि आई होप सो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ऐसे ही अदाकार मिलते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन अदाकार आते रहें, और उन लोगों की वजह से हम उनकी ऐसी अदाकारी को देख देख कर खुश होते रहें।
क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स आने में बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे एक्टर्स आते रहे, बेहतरीन एक्टर्स आते रहे, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी। और बाकी रही सही बात ये कि ड्रामेज कंटेंट हम तो अपने लिए बनाते हैं, हम आपको इंटरटेन के हमें शो के इनका, तो बाकी ये था कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि एक हिंट दिया होता है, ये कोई फेम या एक चीज टाइप चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक हिंट होता है कि आप ऐसे कंटेंट को हम पब्लिक करें, आप लोग देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, तो ऐसी चीज़ों से आप घबराने वाले लोग नहीं हैं। आई नो कि आप हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा से, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करज हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। वो ऐसी कंटेंट को बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ ही ये होती है कि लोग देखें, कोशिश करें, उसको देखें, उसको ताकत करें, उसको स्टिमुलाइज करें, तो ऐसे देख कर ही ऐसे चलेगा, वरना अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ऐसे चलाने के लिए ऐसी चीज़ों को बेसिक एथिक्स के तौर पर देखना चाहिए। अब जैसे कि जो जो कितने भी एक्टर्स हैं तो इनके ऐसे देखे जा सकते हैं क्लिप्स को, रियूज प्लीसी, ऐसे ही यूट्यूब इन तमाम चीज़ों को टच देता है, वो देखता है कि क्या कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, इन सबको डिस्क्रिमिनेट करने के बाद ही देखा जाता है कि आप कैसे इस चीज़ को बेसिक एथिक्स के साथ हिट कर रहे हैं और कैसे इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है, हम फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ हम दोबारा मिलेंगे, आप लोगों को ऐसा ही लेटेस्ट इंटरटेनमेंट इंफो कंटेंट प्रोवाइड किया करेंगे ताकि वो पसंदीद बने, आपके जहनों पर अश्क हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इन्फो प्रोवाइड करे, आप लोगों के लिए एक बेसिक लाइन ऑफ लाइट बने, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए ठीक है यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी और वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर आएंगे नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तो पीस आउट। आप कैसी तेरी खुदगर्जी की जानब से एक और नया ड्रामा सीरियल जिसमें दानिश तैमूर, दुरेफिशा सलीम और साथ में सहर खान भी होंगी। नाज़रीन गिरामी आपको बड़ी खबर से आगाह कर चले कि ड्रामा सीरियल माशूक जिसमें दानिश तैमूर, दुरेफिशा सलीम और साथ में आप देखेंगे कि कौन कौन होगा। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से अदाकार इस ड्रामा सीरियल में आप लोगों को देखने को मिले। अरे नामी ये ड्रामा लोगों के दिलों में राज कर चुका है, लोग इस ड्रामे से बेहद उल्फत और मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि कैसे तेरी खुदगर्जी को कितना ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। तो आपको आज की इसी वीडियो में ऐसी कुछ मालूमात देने वाले, तो आपने बस हमारे साथ परहेज रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करो दिया वीडियो जैसे तो सीधा आसान के भीतर बड़ी खबर कैसी तेरी खुदगर्जी की कास्ट का एक और ड्रामा सीरियल आ गया जिसमें दानिश तैमूर, सारा फलक यानी के और उनके साथ दुरेफिशा सलीम और साथ में नवाज बजाज चारों ही इकट्ठे आ रहे हैं। ये ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की तर्ज पर ही बनाया गया है जिसमें दानिश तैमूर एक बार फिर से दुरेफिशा सलीम के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, यानी कि आप देखेंगे कि शमशेर वापस आ चुका है और दूसरी जानब नवान अजाज यानी के शमशेर का बाप बना था, अब वो इस ड्रामे में सारा फलक से मोहब्बत कर बैठेगा। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल है, आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी सीजन 1 देखा है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या आप पाकिस्तान से ड्रामा देख
तरह से आपने हमें भी कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई इंडिया से भी ड्रामे देखते हैं। तो नाज़रीन नामी आपको पहले ये बताते चले कि ड्रामा सीरियल माशूर, जिसमें दानिश तैमूर, नवान एजाज, दोरे फिशा सलीम और सारा फलक खान होंगी। ये ड्रामा बहुत ज्यादा कमाल होने जा रहा है। इसकी स्टोरी इस कदर कमाल है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी को बहुत लेविश किस्म से बनाया गया है। स्टोरी में सस्पेंस, फाइट, एक्शन, रोमांस, हर चीज मुकम्मल प्रॉपर दी गई है, ताकि लोगों को इस सारी चीजें मुनाकस से मिलती रहे। ये ड्रामा इस कदर कमाल होगा, क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी के फैंस की ये ख्वाहिश थी कि दानिश तैमूर और दुरे फिशा सलीम का दोबारा कोई ड्रामा इकट्ठा आए। तो अब आप लोगों के लिए पेशे खिदमत है, दानिश तैमूर और दुरे फिशा सलीम का ये ड्रामा। आप लोगों को ये ड्रामा सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की खास बात यही है कि इसमें कैसी तेरी खुदगर्जी की सारी कास्ट दोबारा से आ गई है। और ये ड्रामा सच में इतना कमाल होगा कि आप लोग इस ड्रामे के लिए बसोस इंतजार किया करेंगे। नज़रे ग्रामी, हमने आपको आज की न्यूज के बारे में तो बताया, मजीद ऐसी तफसीलात जैसे ही किसी भी आया करेंगी, हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश किया करेंगे। ये ड्रामे किस कदर फेमस हैं और हिट हैं, लोग इनसे कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। लेकिन ये ड्रामे इस वक्त अपने अरूज और अपनी बुलंदियों को छूने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये सारे ड्रामे बहुत ज्यादा कमाल है और बहुत ही अच्छे बनाए गए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब दानिश तैमूर का एक और ड्रामा सीरियल राहे जुनून भी आ रहा है, जो कोमल मीर के साथ आपको देखने को मिलेगा। राहे जुनून ड्रामा सीरियल आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी का आपको बहुत ज्यादा मुनाकबल लगेगी। जबकि इससे पहले हमने आपको बताया कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को इस लेवल पर बनाया गया था और इस लेवल इस कदर अच्छी स्टोरी बनाई गई थी कि आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसकी स्टोरी इस कदर अमेजिंग थी कि लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। कैसे तेरी खुदगर्जी तेरे के बाद पाकिस्तान का सबसे सुपरहिट तरीन ड्रामा गया, क्योंकि कैसे तेरी खुदगर्जी के एपिसोड कम थे, इसलिए उसके व्यूज की तादाद कम थी। लेकिन उसके अगर पर एपिसोड व्यूज की बात की जाए तो 50 से 60 मिलियन थे, जो तेरे मिनट के इक्वल थे। या कुछ एपिसोड्स ने तेरे मिनट की कुछ एपिसोड्स को क्रॉस भी किया, लेकिन तेरे मिनट के चूंकि एपिसोड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उस ड्रामास में आपने देखा कि तेरे मिनट में एपिसोड्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उसमें कम व्यूज आए। लेकिन सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां पर व्यूज इससे भी ज्यादा आए। आप लोगों को यही बताना हमारा मकसद था कि कैसे तेरी खुदगर्जी के बाद अब दानिश तैमूर का ये ड्रामा सीरियल लोगों के दिलों में राह करता जा रहा है, लोगों के दिलों को पा गया है। और यही वजह है कि लोग इस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। दानिश तैमूर का
कैसी तेरी खुदगर्दी और ऐसे ड्रामे बनाना ये बहुत बड़ी बात है। दानिश ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामे बनाते रहे तो एक दिन आएगा कि वो पाकिस्तान के सुपर ट्रेंड हिट एक सर बन जाएंगे। दोनों फिल्म सलीम के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की जाती है। उनको पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है। दोनों फिल्म सलीम के साथ उनकी ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लोग इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं क्योंकि ये जोड़ी कमाल है और इसकी एक्टिंग स्किल्स हर किस्म की हर चीज़ कमाल है। तो आप लोगों को ये हकीकत में हम बता रहे हैं कि ये ड्रामा आपको सच में बहुत पसंद आएगा। इससे पहले हमने और भी कई ड्रामे बनाए जो आप लोगों तक पहुँचाए, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट बनवाने प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की जाए, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। आप लोगों की ही टीमों का है कि हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट से नवाजने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामा से लेकर आते रहा करेंगे ताकि आप लोगों को ये ड्रामे पसंद आते रहा करें। इस ड्रामा की खास बात यही है कि ड्रामास में हमने आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाया, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसमें आप लोगों ने इन ड्रामास को बेहद प्यार दिया। इन ड्रामा को आपके प्यार किसी बदौलत हमने ऐसे ड्रामे बनाने कामयाब होते हैं कि जिनको आप बेहद प्यार देते हैं। तो आपके इस तमाम प्यार का, इस तमाम मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट से लेटेस्ट कॉन्टेंट लेकर आते रहा करेंगे ताकि आप लोगों को ये कॉन्टेंट बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। तज़ीन ग्रामी ऐसा कंटेंट बनाना, बाद मुसीबत वगैरह करना। अब हम बात करेंगे इससे पहले कि वहाज अली के बारे में। वहाज अली इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अपना एक अहम मकाम, रोल, नाम, हर चीज बना चुके हैं। उनके अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री में नाम बना लिया, जो अपना मकाम बना लिया है, वो किसी भी एक्टर से कम नहीं। वो इस वक्त पाकिस्तान के नामवर तरीन एक्टर बन चुके हैं। उनके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो साल ही उनका है, 2023 उनका साल है और हम बस उनके साल में ही रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस कदर कमाल एक्टिंग जोक शो के साथ की है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वहाज अली दिस इज द एरा ऑफ वहाज अली, ही इज अ सुपर हिट मैन, ही इज रियली अ लिटरली अ मैन हु इज capable to do the things that he can ever act. He is the greatest. He is becoming the legend of the Pakistan drama industry. And he will be, one day, he will be the legend of the Pakistan drama industry. And that's it. He is the king. He will rule. He definitely is going to rule this industry. He is already ruling on the heart of the girls across the borders, not only in Pakistan, around the Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, and all over around the world where people can speak and understand Urdu. Not speaking Urdu is not, people
आते रहे, बेहतरीन एक्टर्स आते रहे, हमारे लिए ये बड़ी खुशी।
खुशी बातों की। और बाकी रही सही बात ये कि ड्रामास कंटेंट हम तो अपने लिए बनाते हैं, हम आपको एंटरटेन के हम शो के इनका, तो बाकी ये था कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि हिंट दिया होता है ये कोई फेम या एक चीज टाइप चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक हिंट होता है कि आप ऐसे कंटेंट को हम पब्लिश करें, आप लोग देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, तो ऐसी चीज़ों से आप घबराने वाले लोग नहीं हैं। नोन कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा से, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ ही ये होती है कि लोग देखें, कोशिश करें, इसको उसको देखें, उसको ताकत करें, उसको स्टिमुलाइज करें, तो वो ऐसे देख कर ही ऐसे चलेगा, वरना अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो